जिस चाकू से मर्डर किया था, क्या वो रिकवर हो चुका है? इन्वेस्टिगेशन में हमने अभी 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया था, उसमें 2 दिन हुए हैं। इसमें करीबन ऑलमोस्ट हमारी जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है वो ढूंढने वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें कुछ एक चीज़ें और बाकी हैं जो की जा रही हैं। ड्यूरिंग जो रिमांड है हमने मोबाइल रिकवर किए हैं विक्टिम का, अक्यूज्ड के दोनों मोबाइल, पहले एक मोबाइल हमें मिला था, दूसरा मोबाइल जो हमने रिकवर किया है। मोबाइल से भी हमें काफ़ी सारी डिटेल्स मिली हैं उनका, जो मोबाइल्स मोबाइल को देख के जो उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करके उसमें काफ़ी जानकारियाँ ली गई हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। उसमें काफ़ी सारे एविडेंस हमें मिले हैं। चाकू और जो एक अम्ब्रेला इन्होंने बताया जो कि डाउटफुल है कि था कि नहीं था, क्योंकि जो ऑफिशियल्स जिन्होंने विक्टिम को हॉस्पिटल छोड़ा था उन्होंने ऐसा कोई अम्ब्रेला देखा नहीं था। ये अलीज ने बताया था कि शायद अम्ब्रेला भी था। वो दोनों चीज़ें रिकवर करने के लिए आज भी हमारी टीम ने काफ़ी एफर्ट्स किया था, हमें डॉग स्पॉट्स वगैरह भी भेज दिए जहाँ की उस बता रहा है, बट कुछ और जगह हैं जहाँ पे हमें डाउट है तो हमारे पास अभी दो किसी और हैं, उन जगह पर भी जाके छानबीन की गई। सर, क्या कपड़े और वो तौलिया रिकवर हो गया है जो वारदात के वक्त इसने पहने थे और जिस तौलिये से इसने गाड़ी पकड़ी? इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि जैसे आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि बहुत सारी जो जानकारी है वो मिसलीडिंग है, तो तौलिया इस्तेमाल कपड़े की जहाँ तक बात है उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इसने कपड़े चेंज किए हों, क्योंकि इसने जो कपड़े पहने हमें नहीं लग रहा कि वो चेंज किए गए, वो सेम ही कपड़े उसने पहने हैं जिनने उनको अरेस्ट किया हमने, क्योंकि इसके कपड़ों पे कहीं पे भी खून साइड नहीं लगा था पाता था, क्योंकि ये साइड में बैठा था और जिस तरीके से शायद वेपन का इस्तेमाल हुआ है उसमें ज़रूरी नहीं कि कपड़ों पे खून लगे। नंबर 2, जो तौलिया इस्तेमाल इसने किया है साफ़ करने के लिए उसके बारे में इसने बताया कि इसने कहीं जलाया था, वो जगह को भी हमें ढूंढा है, कुछ जानकारियाँ मिली हैं उसमें भी, तो आज वारदात करने के बाद एक कॉल किया हुआ है जिसमें कि कुछ बातें आपस में शेयर की हुई है, उस बारे में जो आवश्यक स्टेटमेंट है वो ले लिया गया है, वो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन का। क्या क्या बोला है? क्या बताया था कि मैंने कत्ल किया है किसी का? ये बताया था लेडी को कि मैंने कत्ल कर दिया है शेलजा का? यस सर, सर एक मिनट यार, सर ये क्यों उसको क्यों बताया कि मैंने कत्ल कर दिया? उसके पीछे बताया क्या रीजन था? क्या कहा था सर? क्या कहा? ये पूरा बताया सर, बोला कि सर एग्जैक्टली क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो बताना ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है, हमें कोर्ट में भी चीज़ों को रखना होता है। यस, उसमें एक्सेप्ट किया हुआ है कि कैसे उसने जो है मर्डर किया, और महिला को फोन करने का नहीं कि वो भी उसकी दोस्त है। नहीं, उन्हें क्यों बताया? रीजन उसकी दोस्त है, बोलने दो उसकी दोस्त है और आपस में उनकी काफी बातें होती है। मतलब इसलिए बताया कि अपनी गिल्टी फील कर गलती से मर्डर हो गया या क्या, क्यों? मतलब ये एक चीज पूछना चाहिए, मतलब उसे बताने की जरूरत क्या थी कि मेरे से मर्डर हो गया या गलती से हो गया या मैंने मर्डर कर दिया, इसके पीछे क्या रीजन था? हो सकता है अपना रोष जता रहा। क्या उसी चाकू से हत्या की गई है? जो चाकू बरामद हुआ है उसमें अभी तक हमें लग रहा है कि शायद उससे हत्या नहीं की गई है। मतलब मेन वाला चाकू जो है वो अभी जो हम ढूंढ रहे हैं। सर, उसने महिला को जो कॉल किया था उस कॉल का नेचर या जो कन्वर्सेशन हुई उसका नेचर क्या थ्रेटनिंग वाला था, रोष प्रकट करने वाला था, पछतावे वाला था, क्या था? उसे कॉल रिकॉर्डिंग तो सुन नहीं लग रहा कि वो अपना रोष जताने गुस्सा जो उसको व्यक्त करने वाला कि हाँ मैंने ये काम कर। महिला ने क्या रिएक्ट किया अगर पूछता था? उसे विश्वास नहीं हुआ पहले कि सही में ऐसा कर दिया है, उसके बाद उनकी ज्यादा बातें नहीं। सर, इस 2 दिन के रिमांड में, सर इस 2 दिन के रिमांड में अब तक 2 दिन बीत गए, इसमें क्या मिसलीड कर रहा है पुलिस को बहुत ज्यादा? बिल्कुल मिसलीडिंग जानकारियां एक के बाद एक दे रहा है, उनमें से कुछ हमारे इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन कंटिन्यूसली चालू है। बहुत सारी चीजें हमने जो है ऑलरेडी जो मैंने आपको बता दिया था कि काफी ऑलमोस्ट सारा काम हम कर चुके हैं, उसमें बाकी है
रिमांड है हमारे पास, झूठ पढ़ने पे रिमांड बढ़ाई भी जा सकती है। सर आपके मुताबिक उस चाकू से हत्या नहीं की गई, तो दूसरे चाकू से जिससे हत्या की गई है क्या वो चाकू मिल गया या उसके बारे में? मेरठ कैंट भागने के पीछे पहले भी मैं आपको जानकारी देता हूँ कि इसको दिल्ली से निकलना था। इन्होंने दो जो है डेस्टिनेशन प्लान किए थे कि आप आगरा जाएंगे, वहाँ पे भी एक बड़ा कैंट इलाका है, और शायद दूसरा मेरठ इन्होंने प्लान किया था क्योंकि वहाँ पे भी मेरठ, लेकिन मेरठ दिल्ली के पास है, वहाँ ये रह चुके हैं, वहाँ इंजीनियर्स के जो रेजिमेंट है उसके काफ़ी सारे गेस्ट हाउस है, तो उनको ये लगा कि मैं यहाँ से ज़्यादा जल्दी पहुँच सकता हूँ और गाड़ी को ठिकाने लगाना वहाँ ज़्यादा आसान है। सर 3300 कॉल जो है वो 6 महीने के अंदर हुई है, दोनों के बीच में क्या बातें होती थी, किस तरीके जो इसने बताया है दो दिन के अंदर किस तरीके की बात होती थी, क्या बातें जब होती थी जब अनिल जो द्विवेदी है अमित द्विवेदी है वो घर पे नहीं होते थे, किस तरीके की बात होती, झगड़ा होता था, प्यार मोहब्बत की बातें होती थी, क्या होती थी इनके अंदर, या धमकाता था ये? इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई ज्यादा काम की चीज नहीं है हमारे लिए, इस बारे में ज्यादा नहीं। सर और भी कई गर्लफ्रेंड्स थी इसकी? जितना मैंने अभी अभी तक जो इनके अलावा जो भी थी उनके अलावा एक और महिला जिनसे इन्होंने बात की। सर घर के अंदर तलाशी ली गई थी सर, घर की तलाशी ली गई है सर, अभी तक साकेत वाले में दो कहीं कोई बैग मिला है, तो दो एयर टिकट मिली है जिसमें से एक शैलजा के नाम की थी दीमापुर की और एक इसके नाम की थी। ऐसा कोई बैग हमें नहीं, कोई नहीं, इसके छोटे भाई ने रिकवर किया, इसका छोटा भाई जो है सर क्या रोल है, क्या वो भी दाखिलदारी में? छोटे भाई को इसने जरूर कॉन्टेक्ट किया था, उसके बाद छोटे भाई के साथ ये सीआर पार्क से अक्षरधाम तक इन्होंने साथ ट्रेवल किया है, उसके बाद छोटे भाई को ड्रॉप कर दिया है। छोटे भाई को अब इसने जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बताया कि शायद ये मैंने एक्सीडेंट कर दिया है, उसको भी शायद विश्वास हुआ कि इसने एक्सीडेंट किया होगा, इस प्रकार की चीजें हैं, लेकिन अभी उनसे पूछताछ बाकी, हमने प्रारंभिक बातचीत पूछताछ की है उनसे। आपने छोटे भाई के साथ ये फर्जी फेसबुक प्रोफाइल पे से बना रखे थे क्या, उसमें कितने बना रखे थे उसने फर्जी फेसबुक प्रोफाइल, क्यों बना रखे थे, क्या उसने फेसबुक प्रोफाइल बनाया था, मैंने लड़के क्यों बना रखा था, रीजन क्या था उसका? सर फेसबुक प्रोफाइल एक जो प्रोफाइल है वो बहुत सारे लोग बनाते हैं, इन्होंने भी बनाए थे दोस्ती करने के लिए। नहीं क्या छोटे भाई ने जैसे कि ये छुपाई सूचना कि भाई मर्डर कर दिया, तो उस उनपे बनेगा क्या केस? नहीं उसमें उनको नहीं पता था शायद कि मर्डर किया हुआ है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अभी प्रारंभिक पूछताछ उन लोगों से हुई है, उनको एग्जैक्टली कितनी जानकारी थी वो और इन्वेस्टिगेशन में अभी हमारा प्रारंभिक जो प्रयास चल रहा है वो जितने एविडेंस हम घटना से रिलेटेड हम कलेक्ट कर सकते हैं। सर इसने क्या फेसबुक प्रोफाइल नकली बनाए थे, कितने बनाए हुए थे, किस मकसद से बनाए हुए थे, क्या ऐसे और लड़कियों को भी फंसाने का काम करने के लिए फेसबुक प्रोफाइल बनाता था, और अब तक कितनी फंसा चुका था? फेसबुक प्रोफाइल और कुछ दूसरे एप्लीकेशन भी आते हैं, वो इन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ बनाए थे जिनके थ्रू वो लोगों से कनेक्शन करते थे दोस्ती के लिए या अपने कुछ पर्पज के लिए, तो उसमें हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए जिन लोगों की जरूरत थी उनसे हम पूछताछ कर चुके हैं।